खातेदारी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रायता बनाने जा रहे हैं। हमारे देश में या ये कहें कि पूरे दक्षिण एशिया में ही क्योंकि खाना बहुत मसालेदार और चटपटा होता है, इसलिए रायता या दही का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हमारे पेट को ठंडक देता है। जब हम मसालेदार खाना खाते हैं तो हमको एसिडिटी होने लग जाती है या कभी कभी जलन होती है पेट में, तो उससे हमारे को दही या रायता खाने से उसमें हमें रिलीफ मिलता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना बहुत अच्छा होता है। और आज देखिए, मैंने ये दही मिट्टी के बर्तन में जमाया है। मिट्टी के बर्तन क्योंकि पोरस होते हैं, मिट्टी की ये क्वालिटी होती है कि वो पोरस होती है, तो हम जब इसमें दही जमाते हैं तो इसके छिद्रों से दूध में जो पानी होता है वो निकल जाता है और हमारा दही ज्यादा गाढ़ा और मलाईदार बनता है। मिट्टी में बना हुआ दही गाढ़ा होने के साथ साथ मिट्टी से इसमें जो मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज, उसे ये और भी पौष्टिक हो जाता है। तो हुए ना बहुत सारे एडवांटेजेस मिट्टी में खाना बनाने या दही जमाने के। आपको तो याद ही होगा ना कि यशोदा मामी कन्हैया जी के लिए मिट्टी के घड़े में ही दूध जमाती थी और उसी में माखन निकाल के उन्हें खिलाती थी। तो जब भगवान के लिए वो इतना अच्छा है और उसी में वो खाते थे, तो फिर सोचिए हमारे लिए क्यों नहीं। तो चलिए रायता बनाना शुरू करते हैं। रायते के लिए जैसा आप जानते हैं सबसे ज्यादा जरूरी तो है दही। तो ये है 1.5 कप दही, 2 बड़े चम्मच बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज, 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। फ्रेंड्स, मैं अपने घर में सेंधा नमक यूज करती हूँ क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इस तरह से बाजार से डली में सेंधा नमक खरीद सकते हैं जिसको आप पिसवा के इस तरह पाउडर बना सकते हैं, या फिर आजकल तो बहुत सी कंपनीज पिसा हुआ सेंधा नमक भी पैकेट्स में बेच रहे हैं। आप सेंधा नमक खाना शुरू करें, आयोडाइज नमक छोड़ दीजिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब सबसे पहले हम वो बोल लेते हैं जिसमें हम रायता बनाएंगे। इसमें हम अपना 1.5 कटोरी दही डाल देंगे। दही को हम पूरा चला लेंगे, विस्क कर लेंगे जो जिससे ये एक स्टार हो जाए और हमारा रायता देखने में अच्छा लगे। दही को विस्क करने के बाद हम उसमें डालेंगे सबसे पहले अपना 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और स्वाद अनुसार नमक। इसको आप साथ में मिक्स कर दें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा। बस अब इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आप इसमें और तीखापन चाहते हैं तो थोड़ी सी आप लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। अगर ये रायता आप बिरयानी के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें से टमाटर और भुने जीरे को हटा सकते हैं। बस प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची और नमक डालिए और ये रायता बिरयानी के साथ एंजॉय कीजिए। इतना कलरफुल रायता है, टमाटर दिख रहे हैं, हरा धनिया दिख रहा है। रायते के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हम इसे सब्जियों के साथ बना सकते हैं, गाजर का रायता, खीरे का रायता, पत्ता गोभी का रायता, शिमला मिर्ची का रायता, या फिर फ्रूट्स जैसे कि पाइनएप्पल और अनार।